आप इंटरनेट चलाते हुए ऐसा नॉलेज हासिल कर सकते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। दोस्तों, वैसे तो आपने इस दुनिया में बहुत सी चीजें देखी होंगी, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो हर कोई नहीं जानता। तो आज इसीलिए हम इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं जो आप पहली दफा देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी नॉलेज से भरपूर वीडियो आप मिस कर पाएं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत से अजीबोगरीब होटल या रेस्टोरेंट्स देखे होंगे। कुछ तो सच में ही बहुत ज्यादा अजीब होते हैं, जैसे कि जापान का कैट कैफे, जहां पर आने वाले कस्टमर्स के दरमियान बिल्लियों को छोड़ दिया जाता है जो कस्टमर्स के साथ खेलती रहती हैं। लेकिन एक फिश कैफे के बारे में आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, वियतनाम में बना फिश कैफे एक कमाल की जगह है, जहां अंदर जाने से पहले लोगों को अपने जूते और चप्पल निकाल कर जाना पड़ता है। इसके मालिक ने कुछ अजीब करने का सोचा, इसलिए उसने अपने कैफे में आधा फुट पानी भर डाला, जहां 200 बड़ी मछलियां और सैकड़ों छोटी छोटी मछलियां डाल दी। फर्श पर पड़ा हुआ पानी हर वक्त फिल्टर से होकर बदलता रहता है। इस कैफे के कस्टमर्स अपना खाना पैरों में घूमती हुई मछलियों के साथ मजे करते हुए खा सकते हैं। दोस्तों, पहली नजर में देखने पर आपको बेशक ये आम पत्थर लग सकता है, लेकिन इस पत्थर को समझने के लिए एक तजर्बाकार इंसान और उसकी आंखें जरूरी हैं, क्योंकि वही बता सकता है कि इस पत्थर में लगा एक क्रैक आपकी आंखों को चुका के सकता है। जरा आप भी इसे देखिए, कमाल की चमकदार सतह असल में एक शीशा है जिसे ऑक्सफियन रॉक कहा जाता है, और इस तरह का पत्थर तब बनता है जब लावा वल्केनो से निकलकर फौरन से ठंडा हो जाता है। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि जो आप स्टील से बने हुए हथियार या औजार देखते हैं, ये पत्थर उनकी दाढ़ से भी कहीं ज्यादा तेज अपनी दाढ़ को बना सकता है। इसलिए इसे अमेरिका की तारीख में हथियार के तौर पर भारी मकदार में इस्तेमाल किया जाता था। बेशक ये आम शीशे से थोड़े मजबूत होते हैं, इसी वजह से जब इसे हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रखते हैं तो ये बहुत छोटे टुकड़ों में टूटकर बिखर जाते हैं। इसके टुकड़े गोली की रफ्तार से हवा में चलते हैं, यही वजह है कि इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जानवरों के इस झुंड में आपको एक जानवर सबसे अलग दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, इसका नाम है द निकर्स, और ये इस दुनिया में गाय की सबसे बड़ी नस्लों में से एक है। इसकी ऊंचाई 6 फुट 4 इंच, और हैरत वाली बात तो ये है कि इसका वजन 1.5 टन के करीब है, एक गाड़ी से बस थोड़ा सा ज्यादा। ये इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये अपनी जवानी में पहुंच चुका है, वरना ज्यादातर कंट्रीज में इनको जवान होने से पहले ही इनके गोश्त को खा लिया जाता है। लेकिन किस्मत से ये वाली गाय बच गई, क्योंकि दूसरे कंट्रीज में जानवरों को एक डब्बे में रख के काटा जाता है, लेकिन ये गाय उस मशीन में फिट ही नहीं आई, जिसके बाद इस गाय को ऑस्ट्रेलिया के एक किसान ने खरीद लिया। उसने इस गाय को इसलिए खरीदा क्योंकि वो अपनी बाकी की गाय को अच्छे से और सलीके से रहना सिखा सके। दोस्तों, एक बात तो मैं पूरे वैसे कह सकता हूँ कि इंटरनेट चलाते हुए आपने अपनी पूरी जिंदगी में हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे चीजों को कुचलते हुए जरूर देखा होगा। इन वीडियोस का काम कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, मजा बहुत आता है। लेकिन मैं ये भी पक्का कह सकता हूँ कि आपने ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। आपने इस तरह तपते हुए लोहे को पहले जरूर देखा होगा, लेकिन ये लोहा अपने बाहर चिंगारियां क्यों निकाल रहा है? तो इसकी वजह दबाव है। जब हाइड्रोलिक प्रेस अपना शुरुआती दबाव लगाती है तो इससे इस लोहे के चारों गिर्द बनी पतली सी लहर टूट जाती है, जिससे लोहे के चारों तरफ एक नई परत आ जाती है। और ये जो चमकता हुआ आप देख रहे हैं, ये आयरन ऑक्साइड और हवा का रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड पलक झपकते ही ऑक्सीडाइज हो जाता है। हम सब जानते हैं कि हमारी जमीन 71% पानी से ढपी हुई है, लेकिन साइंसदान आज भी ये मानते हैं कि हम हमारे समंदरों से ज्यादा स्पेस के बारे में ज्यादा जानते हैं। मतलब जहाँ हम रहते हैं हमें उसका तो सही से पता नहीं, और हम बात करते हैं स्पेस की। बहरहाल, हमारे इन्हीं समुद्रों में एक कमाल के लेकिन बहुत अजीब तरह के जानवर रहते हैं, जिनको आज से पहले कभी नहीं देखा गया, और ये समंदर की गहराई में पाए जाते हैं। इसकी एक मिसाल डम्बस ऑक्टोपस है। ये पोकेमोन जैसा दिखने वाला जानवर समंदर में 4 किलोमीटर की गहराई पर पाया जाता है, और ये वहाँ मौजूद छोटे मोटे कीड़े खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। कमाल की बात ये है कि हमने आपको भी एक तरह का ऑक्टोपस दिखाया, लेकिन वहाँ रिसर्चर्स को 18 किस्म के ऑक्टोपस की नस्लें दिखाई दी। तो दोस्तों, बस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।